पहले छोटे छोटे समीकरण हमने सीखे हैं, अब ये बड़ी समीकरण है जरूर, लेकिन ये है बहुत ईजी। कैसे कि एक तो ये वाला पक्ष है, ये वाला पक्ष कौन सा, राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड, दो पक्ष होते हैं। और ये बराबर का निशान क्या बताता है कि यहाँ पर जो अंक हैं और यहाँ पर जो अंक हैं ये कैसे हैं, बराबर हैं, तभी तो बराबर का निशान है। बराबर का निशान मतलब दोनों पलड़े कैसे हैं, बराबर है। लेकिन हमको अंकों से देख के पता चल रहा है यहाँ 8 और 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, लेकिन x का भी कोई ना कोई मान होगा, तब जा करके दोनों पलड़े क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखते हैं हम कि x क्या है। तो इस वाले को तो हम अभी कुछ हल नहीं करेंगे, 8x और 4 में कुछ भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 भी 4 अलग राशि है और 8x जो है वो एक अलग राशि है, इन दोनों में कोई मेल नहीं है। अगर 8 और 4 होता तो हम जोड़ देते, पर 8x में 4 जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं, बराबर। अब 3 है और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, x माइनस 1, तो 3 का हम इंटू करेंगे x में और फिर हम इंटू करेंगे y में, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 में x का इंटू करा 3x माइनस 3 में 1 का इंटू करा 3 प्लस 7। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 8x की राशि है, यहाँ पर 3x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे समान पद हैं, तो इनको हम हल कर सकते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे, इसको हम इस पक्ष में लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस, वेरी गुड। जब हम इस 3x को इधर लाए तो ये हो गया माइनस का 3x, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, यहाँ बची हुई चीज़ 7 में से 3 घटा दो, पहले ही 4 आ गया, इधर से इधर ले आओ 4, माइनस का 4 आ गया, ये प्लस 4 था ना, पक्षांतर करा तो कितना हो गया, माइनस का 4, तो 8x माइनस 3x बराबर 4 में से 4 गए 0, तो ये हमारे समीकरण का अंत हो गया, खत्म। यहाँ पर 5x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 0। अब x का 0 यहाँ मान रख के देख लो, तुम यहीं रख के देख लो, 8 में 0 का इंटू करा तो कितना हो जाएगा, देखो 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7 है ना। अब 8 में 0 का इंटू करा 0, यहाँ क्या बच गया 4, 3 में 0 का इंटू करा कितना बच गया 0, 7 में से 3 गया 4, तो 4 बराबर 4 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, समझ गए। ये छोटी छोटी समीकरण अपन को करके देखना है, एक ये वाली समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वाली, समझाओ इसको, m minus m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3, ये 2 को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, 2m minus m, और क्योंकि ये इसके पहले माइनस है तो ये m plus 1 हो जाएगा upon 2 बराबर, ये 3 यहाँ जाएगा तो 3 minus m plus 2 बराबर upon 3। अब इसका क्रॉस गुणा कर दो, 3 का यहाँ कर दो, पहले इसको हल कर लो, 2m में से m गया m plus 1 upon 2 बराबर 3m, 3 और माइनस m तो होगा नहीं, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस m अपॉन 3, इनका अपन ने क्या करा, क्रॉस गुणा, तो 3 तो यहाँ आ गया, तो कोष्ठक में लिखेंगे m प्लस 1, यहाँ पर भी कोष्ठक में लिखेंगे 2 5 माइनस m, अब 3 का m में इंटू करेंगे, 3 का ही 1 में इंटू करेंगे, 2 का 5 में करेंगे और 2 का m में करेंगे, 3 इंटू m 3m 3 बन जा 3, 2 5 जा 10, 2 इंटू m 2m, अब 3m इसका पक्षांतर करके इधर ले आओ प्लस 2m, यहाँ पर ये 10 इसका पक्षांतर करो माइनस का 3, 3m और 2m को प्लस करा कितना हुआ 5m, यहाँ पर 10 माइनस 3 7, तो आंसर क्या आ गया, अब m को यहीं रखेंगे, 5 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो m बराबर आ गया 7/5।